मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे वासे से ड्रॉप नहीं लेना चाहिए था। अपनी किस किस गलती पर आप रिग्रेट करेंगी? रमशा, मेरी शादी आपने जबरदस्ती करवा दी। माना कि माहिर आपको पसंद नहीं था तो ना कराती आप मेरी शादी उससे ना, लेकिन एटलीस्ट मेरे साथ इस तरह तो ना करती। मैं जानती हूँ कि अरीबा आप ही सकलैन भाई के जहन से सोचती हैं, लेकिन यहाँ पे आपने किस तरह ये सब कुछ होने दिया मेरे साथ? तुम तौकीर के साथ कुछ तो हो ना, वो तो मैं पता है। मुझे डर लगता है जब वो मेरे पास आता है तो। बातें कर रही होती, तुम्हारा शौहर है वो, क्यों डरती है उससे? मैं नहीं जानती। रमशा माहिर को भूल जाओ, वो तुम्हारे नसीब में नहीं था और तुम्हारी सिचुएशन समझ रही हूँ। दिल तो मेरा भी मुतमईन नहीं था, लेकिन हो सकता है कि हमारे सारे अंदाजे गलत हो। बज़ाहिर भी दोस्त है वो सकलैन भाई का, कुछ तो हो सकलैन भाई जैसा होगा ना। सकलैन भाई कितने बड़े धोखेबाज हैं, क्या क्या धोखे उन्होंने हमें नहीं दिए, और वो अरीबा को तो धोखा दे रहे हैं ना। और अब मुझे लगता है कि आपको वो इल्जाम भी सच है, अम्मी की मेडिसिन में शायद जहर उन्होंने मिलाया था। फराज, आज जो जहर सकलैन भाई ने मेरे और फराज की जिंदगी में घोल दिया ना, तो मुझे जीते जी मारते हो। अब तो वो तौकीर से मेरी शादी करा के पता नहीं क्या बेनिफिट लेंगे, क्योंकि बगैर बेनिफिट के तो वो कोई काम करते ही नहीं है ना। पता नहीं इस सारी चीजों से उनको क्या फायदा होगा। गाड़ी में बैठ।